पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं माँ से, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। की हाल चाल, वधिया हो सारे और तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। हंस भी लिया करो, कदे कदे हंस भी लिया करो। हैप्पी नवरात्रि दी आप सभी को, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको तंदुरुस्त रखे, आपको चुस्त रखे, आप ऐसे ही हंसते रहें, जगमगाते रहें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करें और जल्दी जल्दी आपको डिग्रियां मिलें, आप खूब सारे पैसे कमाएं, बड़ी बड़ी गाड़ी से उतरें और हमें भी प्राउड फील हो आपको जब देखें इतनी बड़ी गाड़ी में। आपका कोई गेट खोलने वाला हो, आपको बोले जी सर आप उतरिए, आपके आसपास बाउंसर चल रहे हो, आप इतने बड़े कंपनी के ऑफिसर बने, बहुत सारा पैसा छापे आप, मेरी तो दिल से दुआ ये है जो आपने सोचा भी ना हो उससे ज्यादा आपको मिले। भगवान तुम्हें खूब तरक्की देंगे, खूब तुम आगे बढ़ो, खूब 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 तरक्कियां करो बस, ठीक है। मैं तो इतना चाहता हूं जी, ठीक है जी। तो जय माता दीदी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। 8 बजे के बाद प्राइवेट कर दीजिएगा सुदर्शन बैच की क्लास, 9 बजे कर देंगे गुप्ता साहब, 9 बजे कर देंगे यार। जान मांगी होती मेरी, मांगा भी तो क्या मांगा यार, तुम ना जान मांग लो मेरी। एक बच्चा कहता जान तो मांग लूंगा, ऐसा करना जान देना रिविजन खत्म होने के बाद, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कहते हो मेरे बारे में, ऐसा करोगे? ये बातें अच्छी हैं तुम्हारी है? ये तो बातें करनी तुम्हें अच्छी लगती हैं, नहीं ना? फिर चलो री, तो ऐसा करो सारे के सारे बच्चे फटाफट से पहले तो उसको शेयर करो भाई, तुमने शेयर करना बंद कर दिया और ये मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सही बता रहा हूं। मैं भी उन ग्रुप में ऐड हूं जिन ग्रुप में तू भी ऐड हो, तुम्हें पता तुम सारे ग्रुप में ऐड हो तो मुझे भी तुमने उसमें ऐड किया हुआ है, तो मुझे किसी बच्चे का मैसेज नहीं दिखता उस ग्रुप में कि हाँ भाई चलो मैं क्लास खत्म होने के बाद देखूं तुमने शेयर किया हुआ है। इतने नालायक बच्चे हैं, फिर कहते हैं गाबा सर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, गाबा सर आप जैसा कोई भी नहीं है, गाबा सर बेकार की बातें नालायक कहीं के। चलो नी ठीक है नी, चलो सारे के सारे बच्चे बराबर से आ जाओ। अच्छा आज पता हमें क्या करना है जी, आज पता है हमें क्या करना है, पता तुम्हें आज हमें क्या करना है जी, आज हमें क्या करना है? राधिका जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भेजा है वो वहीं तक करना है, उसके बाद का आपको नहीं करना। और जो मैंने कैपिटल गेन के 2 क्वेश्चन सुबह होमवर्क दिए थे ना, वो पता नहीं तुमसे होंगे नहीं होंगे, मैंने वो पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा, उसमें 2-3 पॉइंट आगे के हैं, जो भी सेक्शन हमें कल या परसों वाली क्लास में करना है तो मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा। जितना भी हो रहा है, जितना समझ में आ रहा है वो तुम्हें करके आना है, बाकी जो 2 क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे होमवर्क में वो तो तुम्हें कल करके आने ही आने हैं जी, ठीक है ना। जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखवाए थे वो तो करके आने हैं, जो मेरे 2 बुक वाले क्वेश्चन थे, जितने भी तुम्हारे पल्ले पड़ रहे हैं उतना करके आ जाना, सेल प्राइस निकाल के आ जाना कम से कम, कि उन 2 क्वेश्चन में सेल प्राइस क्या लेंगे। बाकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो जी, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी, आज हमें करने हैं क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई, और आज हमें पता लगेगा हमें सप्लाई समझ में आया नहीं आया। तुमने इतने दिनों से बोला कि सप्लाई समझ में आ गया, कमाल हो गया, रेगुलर बैच में इतना हमको नहीं कराया, आपने रिवीजन क्लास में करवा दिया, ये किया वो किया, तुमने बड़े सारे मैसेज किए, तारीफों के पुल बांध दिए भाई साहब। अब समझ में आएगा कि जो तुमने तारीफें की या जो मैंने सप्लाई का चैप्टर पढ़ाया वो तुम्हारे पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा जी, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डालने हैं, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, जो सीए के एग्जाम के अंदर बन चुके हैं उनकी आरटीपी के हैं, उनकी एमटीपी के हैं, जो सीएस के एग्जाम के अंदर बन चुके हैं उनके मॉड्यूल वाले क्वेश्चन है, जो सीएमए के एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है। अगर आप ये सोल्व कर देते हैं तो आप ये मान लें कि आपको सप्लाई का चैप्टर आ चुका है जी,
और अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे, इट मीन सप्लाई के चैप्टर में आपको दिक्कत है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब एक बार ऐसा करते हैं, हम अब ऐसा करते हैं इसको ना तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो इजी क्वेश्चन, पहला पार्ट है इजी क्वेश्चन, हम बाद में देख लेंगे एक बार। फिर इजी क्वेश्चन के बाद दूसरा पार्ट है यहां पे मॉडरेट, थोड़े से मीडियम क्वेश्चन, थोड़े से मतलब मुश्किल और आसान के बीच में। और फिर यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है जी, फिर यहां पर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो डिफिकल्ट ऐसा करते हैं, पहले ना डिफिकल्ट वाले कर लेते हैं, जितने भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है एक बार पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन अभी नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर वन हम डिस्कस करेंगे आरसीएम के बाद, जब आरसीएम की रिवीजन कर लेंगे ना तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन को भी मैं छोड़ रहा हूं, इसको हम रिवर्स चार्ज के बाद करेंगे जी, ठीक है जी। अब एक बार आ जाओ, जो हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू कहता क्या जी। लो जी सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आंसर मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन टू कौन सा है जी। चलो एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देखो जी, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर टू क्या है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है सुगंधा एंटरप्राइज डीलर ऑफ वॉचेस लेदर गुड्स एंड अदर आइटम्स इज सप्लाइंग ए किट कंटेनिंग ए पीस ऑफ वॉच वॉलेट एंड पेन बंडल्ड एज ए कॉम्बो पैक ऑफ 12,500। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपने एक बॉक्स दिया, आपने मान लो एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स में, उस बॉक्स के अंदर क्या है, वॉच है, वॉलेट है, पेन है, और वो बॉक्स का जो कॉम्बो है ना, कॉम्बो वो 12,500 का है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जो ये तुमने कंबाइन किया, क्या ये नेचुरल बंडल है, नॉट नेचुरल है? ऑब्वियस ही बात है नॉट नेचुरल है। अगर ये बंडल नॉट नेचुरल है और सामने वाले ने सिंगल प्राइस चार्ज किया, उसने इन तीनों का प्राइस चार्ज किया 12,500, फिर वो कह रहे जी जीएसटी जो है वो 12%, आपका पेन पर जीएसटी 12%, वॉलेट पर 18%, वॉच पर 28%, सेलिंग प्राइस जो है इंडिविजुअल आइटम का वो 11,000 है, वॉलेट का 1,000 है, पेन का 1,500 है, बट आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया। अब अगर आपने सिंगल प्राइस चार्ज किया तो सारे बच्चे बोल दो कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, तो पूरे के पूरे 12,500 पर रेट कौन सा एप्लीकेबल करोगे, हाईएस्ट रेट कौन सा है, 28% वाला, तो 28% वाला रेट लग जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे, देखो जी इन्होंने बोला ये कॉम्बो जो है उसको मिक्स सप्लाई में कवर करेंगे एज पर सेक्शन 274, रेट कौन सा लगेगा, जो आपका हाईएस्ट रेट होगा 28% का, तो पूरे के पूरे पैकेज की वैल्यू पर 28% का जीएसटी का रेट लगेगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या था जी, अब बताओ तुम्हें, खुद बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, मैं बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी तुम्हें। और एक क्वेश्चन सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर बन चुका है जून 2019 के अंदर, 3 नंबर का, बताओ मुश्किल क्या है इसके अंदर जी। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो अगर तुम्हारे प्रोविजन सही ढंग से क्लियर है ना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिखोगे, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आप लिखोगे एज पर द डेफिनेशन, ये पॉइंट जो है मिक्स सप्लाई में कवर होगा, पूरी वैल्यू पर 28% से जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या दिक्कत है इसके अंदर जी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, फटाफट से आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये लो जी क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, सारे के सारे बच्चे हेलो भाई साहब, ओए इधर, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोजिट सप्लाई और विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी लो। ये क्वेश्चन भी सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर बन चुका है जून 2019 के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोबारा कहीं बन सकता है, सीए के एग्जाम के अंदर ही बन सकता है, सीएस के अंदर बन सकता है, सीएमए कहीं पर भी, क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो आपस में क्वेश्चन शफल करते रहते हैं, सीए वाले क्वेश्चन डालते हैं सीएस में, सीएस वाले कभी सीए में, फिर सीएमए वाले सीए में, तो आपस में शफलिंग हो सकती है जी। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है सेल ऑफ कार विद वारंटी, सारे बच्चे बोल दो सेल ऑफ कार विद वारंटी, हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडी इधर, सेल ऑफ कार विद वारंटी। अब कार विद वारंटी क्या है, कार के साथ में वारंटी है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे जी। तो ये सप्लाई मेरी कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई मेरी कार है, तो रेट एप्लीकेबल होगा, कार वाला होगा, बात खत्म जी, सिंपल सी बात यहां पर निकल के आ रही है। अगले का बताओ जी, अगला फिर गिफ्ट पैक विद चॉकलेट्स एंड बुक्स, बताओ गिफ्ट पैक है उसमें चॉकलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं, कम ऑन यार, गिफ्ट पैक है चॉकलेट भी हैं और बुक्स भी हैं। अब अगर चॉकलेट एंड बुक्स दोनों हैं उस केस में मिक्स सप्लाई बनेगा, तो ये बनेगा मिक्स सप्लाई, तो इसमें हाईएस्ट रेट जो होगा फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर विद पावर स्टेबलाइजर, अब रेफ्रिजरेटर के साथ में हमेशा स्टेबलाइजर नहीं मिलता, तुम मार्केट में जाओ और मेरे भिंडी कलर के बच्चों, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, मार्केट में जाओ तुम, वहां पे तुम्हें हमेशा स्टेबलाइजर नहीं मिलता, अलग से लेना पड़ता है। और आजकल तो कई रेफ्रिजरेटर ऐसे हैं जहां पे स्टेबलाइजर की बात ही नहीं होती,
वो बिना स्टेपलाइजर के भी काम करते हैं, वो इन्वर्टर के थ्रू चल, मतलब जैसे इन्वर्टर ऐसे आ गया ना, ऐसे ही इन्वर्टर वाले स्टेपलाइजर भी आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई बोलेंगे। होटल की एकोमोडेशन विद में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, होटल की एकोमोडेशन साथ में ब्रेकफास्ट है, एकोमोडेशन प्लस ब्रेकफास्ट, मैंने कल भी कहा था एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। फिर डॉक्टर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस एंड मेडिसिन, अब जो डॉक्टर कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं साथ में मेडिसिन भी दे रहे हैं, और आप खुद सब जानते हो आजकल जितने भी क्लिनिक खुले हुए हैं सब में दवाइयां मिलती हैं। आपको तो एक बात पता होगी, जब भी तुम क्लिनिक में जाते हो तो बाहर वो दवाई वाला उसके ऑफिस, आजकल तो उसके क्लिनिक के अंदर ही बैठा होता है, वह एक छोटी सी विंडो होती है और वो फिर वही दवाई लिखेगा जो वहीं पे मिलेगी, और कोई दवाई ऐसे लिखेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब कमीशन मिलती है। मैं बता रहा हूं सर, कमीशन बहुत मोटी कमीशन मिलती है, तो मैं ऐसे दवाई लिख के देगा जो वहीं मिलेगी और कहीं मिलेगी नहीं। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो भैया कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर करेंगे, तो चेक करो अगले वाला क्या कॉम्पोजिट सप्लाई बनेगा। अब बताओ पांच ये पॉइंट उसने पूछे, तीन नंबर में क्वेश्चन था, क्या मुश्किल था इसके अंदर बताओ। अरे भाई साहब मजा आएगा, तुम्हें कह रहा हूं तुम याद करोगे, तुम्हें सप्लाई का चैप्टर समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन तो इसके अंदर कवर हो गए, अब उसके बाद एमसीक्यूज हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का मैं ध्यान रखना, एमसीक्यूज बच्चे ध्यान रख जी, एमसीक्यूज का मैं सेशन बहुत जल्दी एक अलग से लूंगा, तो एमसीक्यूज आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये नीचे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जी, और एमसीक्यूज के सेशन में अलग से लूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ जी। तो जो एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं ना कि सर एमसीक्यूज कैसे होंगे, वो इस तरह के एमसीक्यूज बनेंगे जी, और ये भी बिल्कुल सिंपल सिंपल है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूं, चलो देख लो, अब तुम भी खुश हो जाओ। इधर देखो ध्यान से, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विस, बताओ इनमें से कौन सा काम सर्विस की सप्लाई नहीं है, बताओ। रेंटिंग सर्विस की सप्लाई है, फिर पेमेंट ऑफ नॉन कंप्लीट फीस टू एक्स एम्प्लॉई टू हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर, याद करो नॉट टू डू समथिंग, याद आ रहा है नॉट टू डू समथिंग सर्विस की सप्लाई है। रिपेयरिंग ऑफ मोबाइल फोन को रिपेयर करना सर्विस की सप्लाई है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अब बिजनेस एसेट की परमानेंट ट्रांसफर करना, ये गुड्स की सप्लाई है। तो उसने पूछा क्या इसमें सर्विस की सप्लाई नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो सर्विस की सप्लाई नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जी। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आप चेक कर सकते हो जी, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, आपको मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के दिखा देता हूं, क्योंकि इजी पीजी तो तुम भी कर लोगे, इजी पीजी तो तुम्हारे हाथ दाहिने हाथ का खेल है। थोड़ा मॉडरेट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट है भाई, ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सारे बच्चे यहाँ पे देखो जी, हेलो भाई साहब इधर, अब यहाँ पे एक बार चेक करो, कह रहा है एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट अंडर सप्लाई। नीचे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बोला हुआ है, कह रहे आप ये बताओ इनको देखने के बाद क्या ये सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होंगे या नहीं होंगे, आपको ये बताना है। अब पहला पॉइंट चेक करो, कह रहे मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा और मुंबई फ्रॉम मिस्टर कौन है ये, मिस्टर रेकिल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाहर सर्विस ली है। अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विस $5,000। ओ भाई साहब तुम बताओ यार, मेरे को तुम बताओ, तुम इसका आंसर बताओ। ना तुम बताओ, आपने सर्विस इंपोर्ट की है विद कंसीडरेशन में है, अब बताओ विद कंसीडरेशन में है चाहे इन द कोर्स में हो या ना हो, मैटर ही नहीं करता, हर केस में 7(1)(b) में सप्लाई बनेगी। चाहे ये सर्विस मैंने अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए ली हो, 7(1)(b) में सप्लाई तो बनेगी ना। हाँ वो बात अलग है, वो आगे जाके सर्विस मैंने कहा था एग्जम्प्ट हो जाएगी, उस सर्विस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा, बट उसने क्या बोला सप्लाई बनेगी नहीं बनेगी, यस बनेगी, 7(1)(b) के अंदर सप्लाई बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब बताओ क्या दिक्कत है यार, अगर तुमने प्रोविजन सही ढंग से पढ़ा है क्या आंसर नहीं आ रहा, क्या मुश्किल है? जैसे ही देखा कंसीडरेशन दिमाग में क्लिक किया 7(1)(b) में सप्लाई बनेगी, काम खत्म। अगले पॉइंट पर आओ, मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर, अपने भाई सर्विस ली मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया होली डिपेंडेंट ऑन द मिस श्रीनीति, फर्दर मिस श्रीनीति डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन फॉर द सेड सर्विस। अब बताओ फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस ली है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस ली है, अपने भाई से सर्विस ली है, भाई उस पर डिपेंडेंट है, क्या भाई रिलेटेड पार्टी वाली कैटेगरी में आ गया? आ गया। बट मेरे बच्चों ओ मेरे बाबू मेरे भिंडी मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, याद करो 7(1)(c) पैरा 4 रिलेटेड पार्टी तो है, बट वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है ना,
याद है वो पैरा फोर में कब आती है, जब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, तो पर्सनल पर्पस है, पर्सनल पर्पस वाली विद कंसीडरेशन में तो बन जाती है, विदाउट में नहीं बनती। समझ रहे हो? तो विदाउट में नहीं बनती, तो भैया ये तो विदाउट वाला केस है, पर्सनल काम वाले काम सप्लाई नहीं बनेंगे, खत्म जी, पहला सप्लाई बनेगा। हेलो, ये दिक्कत है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। फिर कह रहा आपका आंसर चेंज होगा अगर मिस नीति हैज टेकन इंटरियर डेकोरेटर सर्विस विद रिगार्ड टू हर बिजनेस प्रीमाइसेस। अपने बोल दो अब, अगर ये बिजनेस प्रीमाइस के लिए, अगर ये सर्विस बिजनेस प्रीमाइस के लिए है तो क्या आंसर बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा जी, रिलेटेड पार्टी भी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, तो 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 में सप्लाई आएगा। एलो देख लो आंसर, पहले तो उसने सप्लाई की डेफिनेशन लिखी, प्रेजेंटेशन देख लो, पहले सप्लाई की डेफिनेशन लिखी जी, ठीक है। उसने यहां पे देखो, उसने बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अब उसके बाद रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, उसने वो डेफिनेशन लिखा, रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा ये डेफिनेशन लिखी। फिर उसने यहां पर आंसर देने स्टार्ट किए कि पहला केस जो है वो सप्लाई यहां पे जो होगा, कहां गया पहला केस, ये रहा पहला केस जो है, पहला तो सप्लाई बन जाएगा, दूसरा केस जो है यहां पे देखो उसने बोला दूसरा केस वो सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तीसरा केस जो है अगर आप चेक करोगे वो यहां पे सप्लाई बन जाएगा क्योंकि 7(1)(c) शेड्यूल 1 के पैरा 4 में ये काम सप्लाई बनेगा। बस एक बात ध्यान दो भाई साहब, इतना तो इंस्टीट्यूट ने आंसर में नहीं लिखा जितना तुम्हें पता है। देखो उसने पैरा 4 कहीं नहीं लिखा, हमें पैरा 4 याद हो गया सर, आप समझ पा रहे हो? देखो उसने 7(1)(c) नहीं लिखा, शिक्षक सेक्शन 7 लिख रहा, हमें 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 4 याद हो गया जी। अब अगर तुम साथ में चिपका के आ जाओगे क्या वो तुम्हें नंबर नहीं देगा? पूरे में से पूरे नंबर देगा अगर तुम्हें याद है तुझ, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी। दिशा कह रही है सेकंड वाला ने समझा, अरे दिशा देख मेरी बात सुन, ये रही एक डायरेक्शन, डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा, दिशा उसमें इसलिए नहीं बना क्योंकि वो पर्सनल पर्पज है ना, और पैरा 4 में इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना जरूरी है। एक बार नोट्स उठाओ, उसमें चेक करो, उसमें लिखा इन द कोर्स, वो पर्सनल है तो बनेगा नहीं ना वहां पे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। अब अगला क्वेश्चन देखो जी, ये बार बार एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, एमसीक्यूज इसी के अंदर से बनेंगे। एमसीक्यूज जब तुम करोगे ना तुम्हें फील होगा ये बड़े क्वेश्चन को एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया होगा, और एमसीक्यूज कहां से बनेंगे? एमसीक्यूज प्रोविजन में से तो बनेंगे। अब जो मैंने ऊपर तुमसे तीन क्वेश्चन पूछे, अब बड़े क्वेश्चन में वो तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आएंगे, एमसीक्यूज में वो तीन क्वेश्चन बना देंगे, तो ये मत सोचना कि एमसीक्यूज कहां से बनेगा। भाई जो कर रहे हो ना उसी में से एमसीक्यूज बनेगा, ये बात ध्यान रखना, भाई तुम सोचोगे एमसीक्यूज कहीं अलग से बनेंगे तो एमसीक्यूज भी इसी के अंदर से बनेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ब्रेक करके ही एमसीक्यूज बनेंगे, ये बात ध्यान देना जी। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ फटाफट से जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ। कह रहे हैं रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, ध्यान रखना रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज वेल नोन लॉयर। पहले मेरे को बताओ, उसका भाई लंदन में सेटल्ड है, वेल नोन लॉयर है, सारे बच्चे बता दो क्या रमन का भाई उसका रिलेटेड पार्टी में आएगा नहीं आएगा? पहले तो ये बताओ जी, जल्दी बताओ, क्या रमन का भाई रिलेटेड पार्टी में आएगा नहीं आएगा? बस ये बता दो मेरे को, क्या रमन का भाई जो है क्या वो रिलेटेड पार्टी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो सेटल्ड है, सेटल्ड वेल सेटल्ड लॉयर है, तो डिपेंडेंट नहीं है, तो वो रिलेटेड पार्टी में आएगा ही नहीं। ये बात तो क्लियर हो गई कि वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, रमन हैज टेकन लीगल सर्विस फ्रॉम हिज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो भाई सिंपल सी बात बता दूं, ये सप्लाई नहीं बनेगा, ये सप्लाई नहीं बनेगा, चाहे हो पर्सनल चाहे हो बिजनेस, सिंपल सी बात है सप्लाई नहीं बनेगा भाई। अरे क्या कहने लग रहा भाई, इधर देख रहे, हेलो इधर, दिक्कत क्या है? कह रहा है कि भैया अपना पर्सनल हो या बिजनेस हो भाई, यो सप्लाई ना बनेगा भाई। क्यों ना बनेगा? रिलेटेड पार्टी नहीं है, जब रिलेटेड पार्टी नहीं है तो सिंपल सी बात है इन द कोर्स हो तो भैया कुछ भी हो ये सप्लाई नहीं बनेगा, रिलेटेड पार्टी होना बहुत जरूरी है विदाउट कंसिडरेशन में, तो ये सप्लाई नहीं बनेगा जी, बस काम खत्म। अब कहानी लिखी, पहले तो वो लिखा, फिर उसने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लिखी, फिर चेक करो उसने लास्ट में क्या लिखा। कह रहा भाई साहब ये रिलेटेड पार्टी नहीं है तो ये काम जो होगा आपको मैं दिखाता हूं, नोट ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सप्लाई से बाहर होगा, इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे।
फोक दो लाइक इस बात पे, कर दिया करो कमेंट, भला होगा तुम्हारा भी, ठीक है। चलो आ जाओ अगले पॉइंट पर आओ जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री देखो जी, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो एक बार। अरे क्वेश्चन नंबर थ्री से पहले एक बार आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ, ये तुमसे नहीं हो पाएगा यार, सॉरी यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा। एक बार पढ़ना क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई इफ ए ट्रेडर लॉन्च ए पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बेड रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन वुडन वुडन वार्डरोब एट ए सिंगल रेट ही इज इश्यू इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली वेदर दिस इज ए केस ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई एक्सप्लेन। पहले तो उसने दो चीजें मांगी है, पहले उसने दो चीजें मांगी है, कह रहा कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन बताओ, वो बता देंगे सेक्शन टू क्लोज नंबर 30 हम बता देंगे, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन बताओ वो बता देंगे सेक्शन टू क्लोज नंबर 74 वो बता देंगे। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई दोनों की डेफिनेशन हम बता देंगे, पहला काम तो ये हो गया। फिर उसने बोला कि भैया ये जो है ना, मतलब उसने बोला ट्रेडर लॉन्च ए पैकेज, एक पैकेज लॉन्च कर रहा है क्या, सेल फॉर मैरिज, आप सब जानते हो शादी पे वैसे तो लोग कहते हैं दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज लेना पाप है, बट चल भी जाता है। अब मैं उस बात पे नहीं जा रहा दहेज कि अब लड़ाइयां नहीं करनी हमें कि क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा सिंपल सा इसमें स्टैंड ये है कि अगर आप कैपेबल हो तो हमें कुछ भी नहीं लेना, हमें अपना काम करना है, ठीक है। सबके अपने अपनी राय है, हम आ रहे हैं जीएसटी पे, इन मुद्दों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें मसाला नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जीएसटी समझना है। तो वो कह रहा है उसने एक शादी का पैकेज निकाल दिया, अब एक शादी का पैकेज निकाला उसमें बेड भी है ये भी है वो भी है, अब ध्यान सुना उसने बोला एट ए सिंगल रेट ही इज इश्यू इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली। अब वो दो बातें बोल रहा है, दो बातें बोल रहा है, एक तो वो सिंगल रेट का उसने पैकेज निकाला और जब वो इनवॉइस काटता है तो इनवॉइस पे सेपरेट वैल्यू भी वो शो कर रहा है, इनवॉइस पे सेपरेट वैल्यू भी शो कर रहा है और वो सिंगल रेट की बात भी कर रहा है। अब मुझे नहीं पता आपने इसको देखा नहीं देखा, अगर आप चेक करोगे इंस्टीट्यूट ने इस के क्वेश्चन के आंसर को एजम्पशन मान के किया है। पहला उसने बोला कि अगर सिंगल रेट का मतलब सिंगल प्राइस है, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन क्या आ रही है, कहीं सिंगल रेट का मतलब रेट ऑफ जीएसटी की बात तो नहीं कर रहा कि इन सब पे रेट ऑफ जीएसटी सेम है, भाई प्राइस अलग अलग है। देखो उसने यहां पर बोला ना कि यहां पे उसने बोला कि गुड्स सेपरेटली, अब यहां से क्या है यह भी इंटरप्रेशन निकल रही है कि प्राइस अलग अलग है रेट सेम है, प्राइस अलग अलग है रेट सेम है, तो अगर प्राइस अलग अलग है रेट सेम है फिर तो ना ये कंपोजिट सप्लाई है ना ये मिक्स सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई है, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग रेट लगेगा, बात खत्म। और अगर सिंगल रेट का मतलब सिंगल प्राइस है, अगर सिंगल रेट का मतलब सिंगल प्राइस है तो फिर भाई मिक्स सप्लाई है, फिर अगर मिक्स सप्लाई है तो जो भी हाईएस्ट रेट होगा फिर वो लगेगा जी। तो बच्चा कह रहा सर अगर पेपर दोबारा बन जाए तो हमें क्या करना है, आपको भी दोनों एजम्पशन लिख के आनी है, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखो जी, अगर ध्यान देखोगे द क्वेश्चन स्पेसिफाई दैट वेरियस आइटम आर सप्लाइड एट सिंगल रेट, द सिंगल रेट एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूट एट ए सिंगल रेट ऑफ टैक्स, अगर हम रेट ऑफ टैक्स मानते हैं तो फिर इसको बोल रहे हैं सिंगल रेट में ऑल्सो बी कॉन्स्टिट्यूट सिंगल प्राइस एज इज गिवन द बिलो मेंशन आइटम सच एज डबल बेड दिस 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 आर नॉट नेचुरली बंडल therefore supply such item as package will not composite, इसको composite supply नहीं मानेंगे, अगर सिंगल प्राइस मान रहे हैं तो फिर यह सप्लाई बनेगी मिक्स सप्लाई, इस पे लगेगा हाईएस्ट रेट। बट अगर सिंगल रेट को, अगर सिंगल रेट को सेम रेट ऑफ जीएसटी मान रहे हैं फिर उसने को उसने ऊपर बोला है कि ना ये कॉम्पोजिट है ना ये मिक्स सप्लाई है, ये नॉर्मल सप्लाई है, इस पे इंडिविजुअल रेट लगेगा जी। तो यहां पे कंफ्यूजन थी, नहीं नहीं मिक्स नहीं लिया, यहां चेक करो सीमा दोनों लिए उसने, आप अगर ऊपर चेक करोगे उसने इसको क्लियरली बोला है ना ये कॉम्पोजिट है ना ये मिक्स है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है। फिर उसने नीचे बोला अगर हम सिंगल रेट को सिंगल प्राइस मानते हैं फिर ये मिक्स सप्लाई बनेगी फिर हाईएस्ट रेट लगेगा जी। तो उसने दोनों बोले हैं जी, ठीक है, उसने दोनों बोले हैं, उसने अकॉर्डिंगली आंसर दिया है। सर मेडिसिन वाला पॉइंट कॉम्पोजिट सप्लाई कैसे हुआ, मेडिसिन सल्टेज फीस में इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कब बोला कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए सिंगल प्राइस होना जरूरी है, कल इसी बात पे तो विवाद हो गया था, ठीक है ना, कंसल्टेंसी प्लस मेडिसिन दैट इज कॉम्पोजिट, चाहे प्राइस सिंगल चार्ज नहीं होता
सिंगल प्राइस चार्ज होना कॉम्पोजिट सप्लाई की कंडीशन ही नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है ना? ये बात हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं जी, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। भाई यार ये सूरज यार ऐसे बार बार मत बोलो, मैं आपके मैसेज को ना जान मुझ के इग्नोर कर रहा हूं। आप टैक्स के लोड हैं, लोड नहीं हूं भाई। अब मैं आपको बार बार कह चुका हूं, ये भगवान और ये लोड, ये जिनके लिए बने हुए हैं उन्हीं को यूज करो, बिना बात के पाप मत चढ़ाया करो भाई। पापी इंसान हूं मैं सबसे ज्यादा, बहुत पाप किए होंगे मैंने, मेरा तुमसे कनेक्शन बन गया, मेरा पढ़ाया तुम्हें समझ में आ गया, मेरे किस्मत अच्छी है, मेरे कर्म अच्छे हैं कि तुम मुझे मिल गए, बात सिर्फ इतनी सी है। ये तो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, वो तो हमारा कनेक्शन बन गया, हमारा प्यार बन गया। तुम्हें मेरे साथ सामने बैठना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम्हें मुझसे पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे तुमसे मोटिवेशन मिलता है, बात सिर्फ इतनी सी है। जबकि हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, फिर भी एक घर वाली फीलिंग आती है। ऐसा कई बार होता है ना कि घर वाली फीलिंग आती है, ये फील होता है कि हाँ भाई कोई सामने बंदा हमारा ही खड़ा है। तो ये कोई अच्छे कर्मों का फल है, मे भी आपके मे भी मेरे, कुछ भी है, बातें सिर्फ इतनी सी और कुछ नहीं है जी, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, जल्दी आओ जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल सिंपल है यार। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1)। अब सप्लाई को डिफाइन करना है, क्या डिफाइन कर सकते हो? इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल कुशल, बिल्कुल लिखेंगे जी, बिल्कुल लिख के आना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि जो आंसर है इंस्टीट्यूट का आंसर है, तो हमें लिख के आना पड़ेगा। बताओ इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब यहां पे क्या है, 7(1)A, 7(1AA, 7(1B, 7(1C, तो ये आपको लिख के यहां पे आना पड़ेगा, सिंपल सी बात है बस जी। ये आपको सप्लाई के बारे में लिख के आना पड़ेगा। अब ये 7(1D, इन्होंने यहां पे गलत लिखा हुआ है, ई भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बेरक में क्या है, ए है, डबल ए है, बी है और सी है, बस इतनी सी बात है। 7(1) कैपिटल ए सप्लाई का नहीं है, वो क्लासिफिकेशन का है। 7(2) वो ये है कि क्या गुड्स और सर्विस की सप्लाई में कवर नहीं होगा, तो ए लिख के आना है, डबल ए लिख के आना है, बी लिख के आना है, सी लिख के आना है। ये क्वेश्चन बना 5 नंबर के अंदर, बस ये बात ध्यान दो, इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा जी, ठीक है। ओए गबे, हेलो भाई साहब, ओए गबे इधर देख ध्यान से। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे, क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे जी, सारे क्वेश्चन पढ़ो उसको जी, जल्दी फटाफट से जी, जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ो सारे के सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को पढ़ो जी, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लो। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ। पहला, ग्लोरी लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, सेवा ट्रस्ट ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच ग्लोरी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इट्स चैरिटेबल एक्टिविटी। ग्लोरी लिमिटेड डोनेटेड ए सम ऑफ 2 लाख टू सेवा ट्रस्ट with a condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying picture of product sold by the Glory Limited. अब ये point आपको शायद समझ में नहीं आएगा जी, ये regular batch में तो मैंने discuss करवाया था, जो बच्चे regular batch वाले बच्चे हैं अगर उनको याद आ रहा हो, ये point हमने class में discuss किया था, YouTube पे हमने discuss नहीं किया क्योंकि मुझे इतना important लगा नहीं, बट मैंने देखा कि इसमें से question बना हुआ है तो बता देता हूं मैं क्या होता है। अब आप एक बात बताओ, जैसे आजकल ना बहुत सारे मंदिरों को डोनेशन मिलती है, अब तुमने कभी देखा जब मंदिरों को ना डोनेशन मिलती है तो जो लोग डोनेशन देते हैं ना, कई लोगों को ना भाई अपना नाम मंदिर के नेम प्लेट पे दिखाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार चेक करना लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई साहब अपना जगराता है तो डोनेशन, हम कहते हैं 1100 रुपए की पर्ची काट दो, सामने वाला बोलता है नाम, हम कहते हैं गुप्त दान, हम कहते हैं गुप्त दान की हमें नहीं बताना डोनेशन किसने की है, हमने बस हमको डोनेशन देनी थी, हमने डोनेशन दे दी। कई लोग क्या करते हैं, डोनेशन देके पता क्या बोलते हैं मंदिर वालों को, मेरा नाम लिखियो भाई साहब, सामने नाम लिखा होना चाहिए जी, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल मान लो पटवारी जी का लड़का, पटवारी जी के लड़के ने डोनेशन दी 1 लाख रुपए की, पटवारी जी के लड़के का काम है कपड़े का, कपड़े की दुकान है चांदनी चौक में, गली नंबर 2, फोन नंबर ये। अब बताओ 1 लाख रुपए की डोनेशन देके क्या आप मार्केटिंग नहीं करवा रहे मंदिर से? नहीं, क्या आप मंदिर से मार्केटिंग नहीं करा रहे? ये प्योर डोनेशन है तुम्हारी, ये तो फेक डोनेशन है, एक तरह से मार्केटिंग करवा रहे हो। और आप सब जानते हो भाई साहब मंदिर में दुनिया जाती है जी, और आजकल बहुत बड़े बड़े मंदिर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर मैं कहता हूं मैं तुम्हें 50 लाख रुपए की डोनेशन दे रहा हूं, मेरा लाइट वाला बोर्ड लगा दो बाहर। अब लाइट वाला बोर्ड लगा दिया भाई साहब,
लाइट वाला बोर्ड यहां पे बाहर लगा दिया, इतनी डोनेशन है, इतने रुपए पैसे मिल रहे हैं। अब बताओ क्या दिक्कत वाली बात है उसमें जी? तो गवर्नमेंट ये बात कहने जा रही, सुन मेरी बात, डोनेशन पे वैसे तो जीएसटी नहीं है। अगर डोनेशन सच्ची डोनेशन है, प्योर डोनेशन है, जिसमें मार्केटिंग की खुशबू नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, तो फिर वो डोनेशन पे जीएसटी नहीं। बट अगर किसी डोनेशन में मार्केटिंग की खुशबू आ रही है, मार्केटिंग की दुगंध आ रही है, मार्केटिंग की सुगंध आ रही है, तो भाई उस पर जीएसटी लगेगा। ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है, क्या ये 2 लाख रुपए की डोनेशन दी गई है, क्या ये क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें इस क्वेश्चन में मार्केटिंग की स्मेल आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या तुम्हें इसमें मार्केटिंग की स्मेल आ रही है नहीं आ रही? क्या ये बंदा मार्केटिंग करवाना जा रहा है नहीं जा रहा जी? क्या ये बंदा मार्केटिंग करवाना चाह रहा है नहीं चाह रहा? जल्दी बताओ फटाफट से यार, आ रही है? बिल्कुल आ रही है। वो कह रहा है भाई साहब मेरा, मैं कौन सा प्रोडक्ट देता हूं उसको दिखाओ, डिस्प्ले के ऊपर दिखाओ, 2 लाख रुपए देके मार्केटिंग करवाना चाह रहा है। तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया कि ऐसी डोनेशन पे अब जीएसटी लगेगा जी। गवर्नमेंट ने यह सर्कुलर इशू कर दिया कि ऐसी डोनेशन पे जीएसटी लगेगा। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, सच्ची डोनेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा, फेक डोनेशन पे जीएसटी लगेगा। फेक डोनेशन का मतलब होता है मार्केटिंग, तो जहां पर मार्केटिंग की बात होगी वहां पर जीएसटी की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो, बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट का मुझे आंसर दो जी, आप पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। सर बता दो ये बैच कब तक चलेगी, अंटिल विच मंथ? ये चलेगी जी आपकी बैच नवंबर तक, ये बैच आपकी नवंबर तक चलेगी। भाई टेंशन मत लो, तुम्हारे एग्जाम क्लियर तो करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, मैं जान पूरी लगा दूंगा, बस इतना मेरा वादा है। मैराथन्स भी होंगी बहुत जल्दी, ठीक है? तो आओ फटाफट से एक बार इसको पढ़ो जी, फटाफट से इस पॉइंट को पढ़ो जी, जो भी रेट होगा एडवर्टीजमेंट पे जी, चेक करो क्या है। मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज ए मैनेजर विद एबीसी बैंक, ही कंसल्ट जैकोब एंड कंपनी ऑफ लंदन एंड टुक इट एडवाइस फॉर बाइंग ए रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई एंड पेड देम कंसल्टेंसी फीस 200 यूके पाउंड फॉर देयर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बताओ यार, अपने आप बोल दो यार, मैं नहीं बता रहा यार, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जी। एमसीक्यूज के मैंने यूट्यूब पे सेशन भी डाले हुए हैं, मैंने मैराथन भी ली हुई है एमसीक्यूज की 6-6, 7-7 घंटे की, तो आप उसको भी अलग से अगर देखना तो अलग से वो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। कोई बात नहीं, लोग की हो जाएंगे क्लियर, लगा रहा है बस। बताओ रही क्या ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा जी, ये काम जो होगा वो 7-1-B में सप्लाई बन जाएगा, तो ये काम जो है वो 7-1-B के अंदर सप्लाई बनेगा, ये बात ध्यान दो जी, ठीक है? अब मैं तुम्हें ना अगला सिर्फ क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार है यार, बताओ भाई साहब देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, CA इंटर में मई 23 के अंदर बना, उनकी RTP के अंदर बना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन अब तुम क्वेश्चन देखना, ओए सुने ओए इधर, हेलो गाबे, ओए गाबे इधर, क्वेश्चन देख। कह रहा है 5 एक्टिविटी बता दो जो शेड्यूल 3 में है, जो ना गुड्स की सप्लाई बनेगी ना सर्विस की सप्लाई बनेगी। अब तुम खुद बताओ, तुम बता नहीं सकते। 8 काम हमने किए, 8 काम किए हमने, CA इंटर वाले बच्चों में 6 काम है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कोर्ट और ट्रिब्यूनल, MP MLA कैग ऑफिसर, फ्यूनरल बुरियल, क्रीमेटोरियम, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बता दो इनको यहां पे, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ क्या चक्कर है। अब ये क्वेश्चन CA इंटर के एग्जाम का बना हुआ है सर, 5 काम बताने हैं जी, 5 नंबर में क्वेश्चन बना हुआ, बताओ दिक्कत क्या है जी आपको जी, ठीक है जी। अगले पॉइंट पर आओ, अगला पॉइंट, अब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे यार, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे भाई, इसका मुझे ये क्वेश्चन और ये दोनों का आप मुझे आंसर दोगे, ताकि मैं देखूं कि तुम्हें आप ही रह नहीं आ रहा जी। क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, ये भी CA इंटर का है, नवंबर 23 का, नवंबर 23 में क्वेश्चन बना भाई साहब, क्वेश्चन देख लो कौन सा बना, नवंबर 23 में क्वेश्चन बना। रिवीजन क्लास देखने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, रेगुलर बैच वाले तो तोड़ दें इसको, रेगुलर बैच वाले तो इसको देखें ही ना, फोड़ दें इस क्वेश्चन को फटाफट से, और जो रिवीजन क्लास वाले बच्चे हैं वो भी देखें, तुम्हें भी समझ में आ रहा है सब कुछ, तुम्हें लग रहा था तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें फील हो रहा होगा, तुम्हें सब कुछ आ रहा है,
और आज की वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे बातें पल्ले पड़ रही है नहीं पल्ले पड़ रही है। कर दिया करो 400-500 कमेंट ना लायकों, बार बार पता है भीख मांग रहा हूं कि दे 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 दे, तो वो भिखारी वाली फीलिंग आती है। ऐसा काम मत किया करो, बिना कहे कमेंट किया करो तुम कि गाबा सर आप मत बोला करो, हम कर देंगे, आप टेंशन मत लो। बताओ पहला बताओ जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी, पहला सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा जी, दोनों बताओ मेरे को, दोनों दोनों बताओ मेरे को। दोनों बताओ फटाफट से, हाँ नहीं, पहला और दूसरा सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बोल दो। दूसरा नोटे सप्लाई, अच्छा नोटे सप्लाई है, नोटे सप्लाई, दूसरा नोटे सप्लाई, दूसरा नोटे सप्लाई, डिस्टिंक्ट पर्सन भूल गए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन भूल गए, क्या हो गया तुम्हें? हेलो ओ गबे ओए इधर, भूल गए क्या डिस्टिंक्ट पर्सन वाली गेम भूल गए? पैरा टू, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, भूल गए क्या वो गेम? तो फिर नालायक कार्तिक देख सकते हो, दोनों बनेंगे ठीक है जी, दोनों के दोनों सप्लाई बनेंगे। सिंपल सी बात, ध्यान दो, अगर ये डोनेशन नहीं है, अगर ध्यान रखना जी, अगर ध्यान रखना, अगर ये प्योर डोनेशन है तो नहीं बनेगा जी, अगर ये प्योर डोनेशन है तो नहीं बनेगा। इसने क्या बोला है, सी इज द नेम ऑफ डोनर मिस्टर सोनू इज डिस्प्लेइन टेम्पल एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। ले भाई ये तो कुछ और ही कह रहे हैं भाई साहब, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जो इसने बोला है ना डोनेटेड बाय सोनू डायरेक्टेड मल्होत्रा ब्रदर्स टू एनग्रेव द वर्ड्स द वॉटर कूलर। अब भाई साहब ये तो अलग ही इन्होंने काम कर दिया, ये तो इंस्टीट्यूट कह रहा है जो उसने मंदिर को बोला ना कि ऐसा लिख दे, ये तो मंदिर वालों का ग्रेटिट्यूड है, इसमें इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही है तो इसको मार्केटिंग नहीं मानेंगे। तो ये नोट ए सप्लाई अंडर जीएसटी लो में कवर कर लिया जी। तो अब सुनो ध्यान से, अब करना क्या, अब सुनो ध्यान से, मेरे अकॉर्डिंग यहां पे सप्लाई बनना चाहिए। जब उसने बोल दिया कि डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़, तो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मार्केटिंग की स्मेल आ रही है। अब बच्चा कह रहा है ये क्वेश्चन बन गया तो क्या करेंगे, आपको दोनों दोनों चीजें लिख के आनी है, प्योर डोनेशन और फेक डोनेशन। अगर मार्केटिंग है तो सप्लाई बनेगा, अगर ये मार्केटिंग के इंटेंट से नहीं लिखा गया, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया वो अपनी एजम्पशन के बेस पे आंसर दिया कि वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर उसका एम मार्केटिंग करवाने का नहीं है, और हमने क्या एज्यूम किया कि एम मार्केटिंग करवाने का। तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ फैक्ट है भाई, अगर सिंपल सी बात है मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर मान लो एजम्पशन ले रहा हूं कि यहां पर उसका एम मार्केटिंग करवाने का है तो इट इज ए सप्लाई, अगर मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि ये मार्केटिंग करवाने का नहीं है फिर ये सप्लाई नहीं है जी। तो हमें दोनों चीज लिख के आनी है, पहला हम लिख के आएंगे हमें एज्यूम कर रहे हैं ये मार्केटिंग करवाने का तो सप्लाई बनेगा, नहीं है तो सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। एक बच्चा कह रहा है एमसीक्यूज में क्या करना है एक तो भाई साहब बच्चा कह रहा है एमसीक्यूज में क्या करना है ये बताओ, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें तो लिखाएंगे, एमसीक्यूज में क्या करेंगे? तो अगर आपके पास एमसीक्यूज के अंदर बनता है तो सीए इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर नोटे सप्लाई दिया है, सेम डिट्टो क्वेश्चन बन जाए तो नोटे सप्लाई करके आओगे, बस ये बात ध्यान दो। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है जी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें बिजनेस नेम नहीं है, मैंने कहा ना सर वो डिपेंड कर सकता है, जैसे एक बच्चे ने बोला बिजनेस नेम नहीं है ठीक है बिजनेस, अब आप मैंने कहा ना एजम्पशन पे डिपेंड है कि बिजनेस नेम नहीं है फोन नंबर नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंट क्या है। देखो नाम से ही मार्केटिंग होती है यार, एक बात बताओ यार अरुण वस्त्र भंडार दिल्ली में किसको नहीं पता बताओ, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ ये लिख दिया अरुण वस्त्र भंडार, इवन चांदनी चौक में नहीं लिखोगे ना तो भी दिमाग में क्लिक है चांदनी चौक वाले की बात कर रहे हैं, तो बंदा वैसे ही सर्च कर लेगा। अगर मान लो इस नाम से अगर ये बंदा जो है अगर ये बंदा फेमस है इस नाम से अगर वो सर्च करेगा तो नाम सामने नहीं आ जाएगा, तो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट है बस, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट तो ऑब्वियस ही बात है आपका सप्लाई बनेगा ही बनेगा शेड्यूल वन के,
पैरा टू वाले केस में यहाँ पे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इस केस में सप्लाई बनेगा, तो इस काम को हम सप्लाई में कवर करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब बताओ इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन तुम्हें आती है? सीएस एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन बना ये वाला जी, सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत मुश्किल क्वेश्चन बना, बच्चों के हाथ पैर फूल गए भाई। इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों के हाथ पैर फूल गए। पता क्वेश्चन क्या बना? कह रहे बताओ इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन बताओ भाई साहब। कितना मुश्किल क्वेश्चन बना होगा। अब जिन बच्चों ने डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी होगी, क्या लिखा होगा पता क्या लिखा होगा? मेरे से पूछो क्या लिखा होगा? इंट्रास्टेट सप्लाई मींस ए सप्लाई सप्लाई विद इन द स्टेट। पांच नंबर में क्वेश्चन बना दिया। आगे इंटरस्टेट सप्लाई मींस ए सप्लाई आउटसाइड द स्टेट। पांच नंबर में क्वेश्चन बना दिया। एग्जामिनर के पास पेपर गया, उसने कहा अच्छा बच्चा प्रैक्टिकल है, इंटेलिजेंट है, उसने उसको खुश हुआ, वो कहता है एक और अटेम्प्ट इसको और मिलना चाहिए, ये बच्चा दोबारा आना चाहिए तभी हमें अच्छा लगेगा। फिर वो कहता है एलो। बात समझ रहे? डेफिनेशन पूछ ली, वो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई है, और वो अगर अलग अलग यूटी में है, अलग अलग कंट्री में, तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है। बताओ ये देख लो, डेफिनेशन पढ़ लो। सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाई, 8 इंट्रास्टेट सप्लाई। एलो पे आ गया स्यापा। पांच नंबर में क्वेश्चन आया हुआ भाई, पांच नंबर में क्वेश्चन आया, पांच नंबर में बताओ जी। नहीं शिवांश वहां नहीं आएगा, पैरा 4 तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मेरे बच्चे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कैसे आ जाएगा वो? अगले पॉइंट पर आओ। अगला क्वेश्चन तो इतना खतरनाक है, सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर बनाई है, अभी दिसंबर 18 के अंदर बनाया। क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर, आपको बताना है इसमें से कौन सी इंटर है कौन सी इंटर है। भाई ये तो नहीं हो पाएगा यार, सॉरी यार, ये आपको ना विद रीजन बताना है, सॉरी यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा, तुम अगर बता सकते हो बता दो यार। बताओ, हाँ देखो एक बच्चा कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कह रहा है जब यही क्वेश्चन पेपर के अंदर देखते हैं तो मुश्किल बन जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हमारा अटेम्प्ट ही सबसे मुश्किल है, और जब ये बाद में करते हैं तो फिर हमें हंसी आती है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये मेरे क्वेश्चन तो नहीं है, ये तुम्हारे अटेम्प्ट के ही है, इंस्टीट्यूट ने ही दिए हैं। तो आप समझ पा रहे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है 3 घंटे का प्रेशर झेलना बस। अगर 3 घंटे का प्रेशर आप झेल लोगे ना सर, मैं सही बता रहा हूं, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा सच्ची में बेड़ा पार हो जाएगा। 3 घंटे का प्रेशर जो झेल गया काम हो गया बस जी। अब देखो इसको जी, बताओ पहला बताओ, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन कंपनी सूरत फ्रॉम ए यूनिट लोकेटेड इन SEZ इन द सेम स्टेट दैट इज गुजरात। अब बताओ, अब SEZ से सप्लाई हो रही है, तो SEZ से सप्लाई होने को इंट्रा बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। याद करो सप्लाई टू SEZ, सप्लाई बाय SEZ इंटरस्टेट सप्लाई है। एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट, अब अगर गारमेंट को एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट को भी हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को क्या बोलते हो? इंटरस्टेट नहीं बोलते, ये दोनों इंटरस्टेट है यार। बताओ दोनों इंटरस्टेट है यार, बताओ क्या? दो दो नंबर में क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों सप्लाई जो है, ध्यान रखना ये वाली सप्लाई भी IGST के इंटरस्टेट सप्लाई है और ये वाली सप्लाई भी इंटरस्टेट सप्लाई है, बस एक बार ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? ठीक है अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये तुमसे पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये कैसे कर पाओगे तुम। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर पाओगे? चेक करना एक बार, एग्जाम का ही क्वेश्चन है जी ये क्वेश्चन में, एग्जाम एक बार पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज पर द GST लॉ विद ब्रीफ रीजन। आपको बताना है क्या ये गुड्स की सप्लाई है या ये सर्विस की सप्लाई है, एक बार चेक करते हैं जी। या मतलब स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर GST लॉ विद ब्रीफ रीजन। पहला, मिस्टर एक्स अवेल्ड द आर्किटेक्ट सर्विस ऑफ हिज सन लिविंग इन फ्रांस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड फैक्ट्री लेआउट। एक बात मेरे को बता दो, सारे बच्चे बता दो जी। अब रेजिडेंशियल यूनिट याद आ रहा है? पहली बात तो ये सन मतलब सन डिपेंडेंट हो या ना हो रिलेटेड पार्टी है। सर्विस लिया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग,
तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो भाई ये काम तो सप्लाई नहीं बन सकता, ये जो ये वाला काम है ये सप्लाई तो नहीं बन सकता, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला पोर्शन तो सप्लाई नहीं बन सकता। हाँ, जो फैक्ट्री का लेआउट है ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, ये सप्लाई बन सकता है जी। तो ये सप्लाई बन सकता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला काम जो है ये सप्लाई से ही बाहर है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो यहां पे देख लो जी, उसने बोला नोट ए सप्लाई। अच्छा, इसने सिर्फ ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आंसर दिया हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो बनेगा यहां पर बनेगा यस, फैक्ट्री बिल्डिंग वाला जो बनेगा वो सप्लाई बन जाएगा। आगे देखो अगला, स्क्रैप ऑफ मशीनरी, ध्यान से, हेलो भाई साहब इधर, स्क्रैप ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। सारे बच्चे बोल दो, मशीनरी स्क्रैप हो गई, मशीनरी स्क्रैप हो गई जी। अब वो मशीनरी क्या कर दी, स्क्रैप हो गई, डिस्पोज ऑफ कर दी आपने, इंश्योरेंस कंपनी को दे दी मशीनरी। याद कर लो, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, याद है डिस्पोजल। आपने कहा था डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था डिस्पोजल का मतलब होता है वेस्ट एंड स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करना, ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, तो वो पैरा वन में सप्लाई बन जाएगा, ये उसकी बात कर रहा है। अब मशीनरी है, आईटीसी मैंने लिया होगा, बिजनेस की मशीनरी है, डिस्पोज ऑफ हो गई है, तो सिंपल से पता पैरा वन के अंदर ये काम जो होगा सप्लाई बन जाएगा और ये गुड्स की सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अगले पर आओ जी, अब बताओ लीज, लीज ऑफ लैंड, आपने बोल दो लीज ऑफ लैंड, लैंड को लीज पे देना भाई, जल्दी बोलो फटाफट से बोलो यार, लैंड को लीज पे देना। आदित्य फैक्ट्री तो मेरा बिजनेस है ना, फैक्ट्री तो मेरा बिजनेस आएगा ना, अगर फैक्ट्री मेरा बिजनेस है, अगर मेरी फैक्ट्री है तो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा जी। हाँ जी हाँ, अगर अगर पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बात एक अलग है, तो सप्लाई नहीं बनेगा जी। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई फर्केट नहीं करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से जी, लैंड जल्दी बताओ, लैंड वाले केस में क्या बनेगा, सर्विस की सप्लाई बनेगा जी। आगे परमिटिंग यूज ऑफ रजिस्टर्ड पेटेंट फॉर एनुअल फीस, बताओ अब पेटेंट को यूज करना, याद है टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, अब यहां पर बताओ टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, पेटेंट को यूज कर रहे हो तो वो किसकी सप्लाई बनेगा, सर्विस की सप्लाई बनेगा जी। अरे तो आदित्य कुछ एजम्पशन भी तो लिख के आओगे ना, क्वेश्चन थोड़ा बोलेगा हर चीज को, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो एजम्पशन का तो फिर मुद्दा ही नहीं है। पेपर के पहले पेज पे क्या लिखा होता है, सूटेबल एजम्पशन लिख के आनी है, ठीक है ना। अगर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हर बात क्वेश्चन में तो लिखी नहीं होगी, आपको वहां एज्यूम भी तो करके आना पड़ेगा कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इन द, अगर तुम आप एज्यूम कर रहे हो नोट इन द कोर्स में तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, सिंपल जी। हाँ जी, अगले पॉइंट पर आओ, तो अगर पेटेंट की बात करेंगे तो ये बनेगा सर्विस के सप्लाई बनेगा। ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट बाय एग्जीक्यूटिंग रजिस्टर्ड अभी डॉक्यूमेंट, अब बताओ टेनेंसी राइट ट्रांसफर करना जी, सारे बच्चे बोल दो टेनेंसी राइट ट्रांसफर करना। हाँ जी, एग्जीक्यूटिंग एंड रजिस्टरिंग ए डॉक्यूमेंट, इस केस में क्या बनेगा, फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या सप्लाई में कवर होगा, यस कवर होगा, बट अब इन्होंने यहां पर बोला हुआ है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट फॉर यूज एज रेजिडेंस इज एग्जम्प्ट व्हेन रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। अब ये पॉइंट तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, इस पॉइंट को जब हम एग्जम्पशन वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे, जिन बच्चों ने रेगुलर बैच लिया उनको याद आ गया होगा, रहने वाला घर रहने के लिए किराए पर देना वो जीएसटी में एग्जम्प्ट है। तो अगर मान लो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग उस पर्पस के लिए है तो फिर तो वो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज अगर अदर पर्पस के लिए फिर वो टैक्सेबल है। तो इस पॉइंट को पेंडिंग कर सकते हो, जब एग्जम्पशन में रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला पॉइंट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जी, ठीक है जी। ओए गाबे, लव यू मेरे बच्चे, ओ मेरे बच्चों लव यू टू, हेलो। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए भाई, मॉडरेट भी खत्म, डिफिकल्टी भी खत्म, इजी पीजी देख लो थोड़े बहुत क्वेश्चन, ये लो एक बार देख लो यार, इजी पीजी वाले भी देख लो, चेक करना फटाफट से एक बार, बताओ अच्छा लग रहा क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जो इतनी मेहनत हमने सप्लाई के चैप्टर को रिवाइज करने में की, अच्छा लग रहा तुम्हें, एक आधी बार और पढ़ लोगे ना कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा और तुम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, क्योंकि पेपर इसी में से बनना है, पेपर इसी में से बनना है, इसी लेवल के क्वेश्चन बनने हैं। तो अगर तुमने रिवीजन अच्छे ढंग से कर ली, रेगुलर बैच पहला, रेगुलर बैच दूसरा, रिवीजन तीसरा क्वेश्चन, और कुछ नहीं बचेगा,
और चौथी मैराथन। चार चीजें हैं बस, रेगुलर, रिवीजन, प्रैक्टिस, मैराथन, ये हैं बस। अगर आप इसको सही ढंग से कर लोगे तो मतलब ही नहीं कोई दिक्कत आए आपको। हनी कल से आईटी से स्टार्ट करेंगे जी, यानी ना कल से हम स्टार्ट करेंगे आईटीसी भाई। हेलो, कल से हम आईटीसी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और अब थोड़ी सी स्पीड, हम थोड़ा सा स्पीड का मतलब ये नहीं कि ऐसे बोल दूंगा, स्पीड का मतलब ये कि मैं तुम्हें बता दिया करूंगा कि कल हम कौन सा चैप्टर करेंगे, आप उसको एक बार पहले पढ़ के आएंगे फिर हम यहां पर रिवाइज करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं कल हमें आईटीसी का चैप्टर रिवाइज करना है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कल आप आईटीसी का चैप्टर घर से पहले पढ़ के आएंगे, उसके बाद हम यहां पे रिवीजन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कल हमें करना है आईटीसी, ठीक है जी। चलो जी, अब एक बार फटाफट से आ जाओ अगले पॉइंट पर, आओ जी अगले पॉइंट पर फटाफट से आ जाओ जी। सर आरती करनी है, जाऊं क्या? नहीं 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 विद्या, नहीं नहीं जाने, आरती मैंने भी करनी है भाई, मेरे भी फास्ट है भाई, मैंने भी पूरे 9 फास्ट रखे हैं भाई, मैंने भी सुबह से कुछ ना खाया भाई, रुक के जाओ, लाइक करके कमेंट करके जाना विद्या, मैं तुम्हारा कमेंट चेक करूंगा, ध्यान रखना। चलो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी डिस्कस इन द ब्रीफ, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज टू बी कंसीडर एज सप्लाई व्हेन इट इज नॉट टू बी कंसीडर एज सप्लाई। बताओ अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को कब सप्लाई मानेंगे और कब सप्लाई नहीं मानेंगे, बता दो यार जल्दी बोल दो, कब सप्लाई मानेंगे और कब सप्लाई नहीं मानेंगे? क्या तुम इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में लिख नहीं सकते? क्या तुम इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में लिख नहीं सकते? लिख सकते हो, विद कंसीडरेशन वाला केस लिख के आना है, फिर विदाउट कंसीडरेशन वाला केस लिख के आना है, उसके बारे में बताना है। 7(1)(b), 7(1)(c), शेड्यूल 1 का पैरा 4, ये बातें आपको यहां पे लिख के आनी है जी। सर कल आप बर्थडे नहीं बनाएंगे? कल मेरी डॉटर का बर्थडे है, कल देखते हैं, कल हम सोच रहे हैं ओल्ड एज होम जो है जहां पे वृद्ध आश्रम, वहां जाकर अगर थोड़ी बहुत उनसे जो भी उनके आशीर्वाद ले पाए, तो सोचा तो है कल, देखो भगवान क्या कराता यार। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, मैं तुम्हें मिला और तुम मुझे मिले, मैंने कहा नहीं हमारे अच्छे कर्मों का फल है, तुम्हारे या मेरे मेरे को नहीं पता, किसी के तो अच्छे कर्म होंगे जो हम मिले, और मैं तुम्हारी सक्सेस में एक निमित्त मात्र हूं, कभी ये मत सोचना कि तुम्हें सफलता मिली इसकी वजह से, भाई साहब करने वाला कोई और है, ये बात मान लो तुम, मेरी इतनी औकात नहीं है 10-10, 12-12 घंटे बोलने के पूरे दिन में, सिंपल सी बात है भाई, इतनी औकात हमारे अंदर नहीं है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया कि चल जा तू इन बच्चों की हेल्प कर, तो कर ली, नहीं तो बहुत 1 से 1 30 मार्क हम लोग बैठे। मैंने कहा ना मैं कैसे कह दूं कि मैं ही कर रहा हूं, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ही कर रहा हूं, हमसे तो बेड से उठा भी नहीं जाता, यहां से वहां पानी नहीं तो हम जा नहीं पाते, पूरे दिन 12 घंटे कैसे बोल लेंगे भाई, इतने आलसी तो हम है ही है, घर में हम कितने काम करते हैं, वहां तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आती, यही एनर्जी सारी क्यों आती है, ये कुछ शक्ति है, हम एक निमित्त मात्र हैं और कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात ही है जी। ये तो भगवान ने एक जरिया बना के भेज दिया, भगवान ही काम करा रहा है, हमारे बस का कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है ये। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर यहां पे देख लो, क्वेश्चन नंबर देख लो जी, यहां पे 6 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ना जी, क्वेश्चन नंबर 6। हां जी हेलो भाई साहब, ओए इधर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहां पे क्या है, द गुड सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ओ हो 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 हो, बताओ हायर परचेज वाले काम को सर्विस की सप्लाई बोलोगे क्या? अरे इधर देखना, हेलो क्या हो गया, हायर परचेज वाले काम को सर्विस की सप्लाई बोल लेगा क्या? ना 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 ना, हायर परचेज वाला काम टाइटल ट्रांसफर करना फ्यूचर डेट में गुड्स की सप्लाई बनता है, पता है ना, तो बताओ कह रहा सर्विस की बनेगा, झूठा कहीं का झूठा, सारे बच्चे बोल दो झूठा, ये बनेगा सर्विस की सप्लाई, सॉरी गुड्स की सप्लाई बनेगा, सर्विस की सप्लाई नहीं बनेगा, झूठा है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है अभी छोड़ दो, कॉम्पोजिट स्कीम में करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, इसको भी आपको समझ नहीं आएगा। कॉम्पोजिट सप्लाई की बताओ, कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिख सकते हो? अब कॉम्पोजिट सप्लाई सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 डिफाइन करना है, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है यह डिफाइन कर दो। 4 नंबर में क्वेश्चन बना है एमटीपी के अंदर मॉक टेस्ट पेपर सीए वाले बच्चों का, झूठा कहीं का। आगे बताओ, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड ऑब्लिक और पोजेशन इज नेसेसरी ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बताओ सप्लाई ऑफ गुड्स कब बनता है?
सप्लाई ऑफ गुड्स तब बनता है अगर हम गुड्स का टाइटल एंड पोजेशन दोनों दे देते हैं जी। मतलब गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होना मस्ट है। अगर तुम याद है टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले अरे बोलो सर्विस बनेंगे, सर्विस बना बोल देना लायक, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, तो टाइटल एंड पोजीशन दोनों ट्रांसफर होने चाहिए तभी गुड्स की सप्लाई बनेगा, नहीं तो सर्विस की सप्लाई बनेगा। ठीक है गौरव, यही बनेंगे जो आपके सामने है। ठीक है, और अब बस क्वेश्चन यार ये है जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, अब इसके ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर बना है और सीए के एग्जाम के अंदर बना हुआ है, चेक करो। सारे बच्चे बोल दो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल बताओ, इमूवेबल की रेंटिंग क्या बनेगी बताओ, इमूवेबल की रेंटिंग क्या बनेगी, सर्विस के सप्लाई, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, याद करो राइट इन गुड्स, राइट राइट वाले काम सर्विस बनेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट पैरा सिक्स क्या बनेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के सप्लाई, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, आईपीआर की टेम्परेरी ट्रांसफर क्या बनेगा, सर्विस के सप्लाई, और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल 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 वाले गुड्स बनेंगे, टाइटल गुड्स बनेगा, पांच नंबर पक्के, पांच नंबर पक्के। और पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है, कहता कहता है रिसीवर कौन होता है बताओ, इसको बताओ रिसीवर कौन होता है, जो पेमेंट करता है वो रिसीवर होता है, जो गुड्स जिसके पास गुड्स आएगा वो रिसीवर होगा, जिसको सर्विस मिलेगी वो रिसीवर होगा, हमारे बिहाफ पे कोई गुड्स रिसीव करेगा जो एजेंट है वो रिसीवर होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनाओगे क्या पेपर में पांच पांच नंबर के, ठीक है सीए के एग्जाम के अंदर बना हुआ क्वेश्चन, रिसीवर कौन होता है, एलो हो गया पूरा चैप्टर, स्वाहा, सप्लाई खत्म, ओके टाटा बाय बाय सप्लाई, एक आधी बार इसको दोबारा पढ़ लेना बस काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है एक आधी बार दोबारा से सारे क्वेश्चन देख लोगे, सप्लाई तुम्हें दोबारा उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी चलो, तो अब जाके हम करेंगे, अब कल मिलेंगे शाम को सेम टाइम पर हम मिलेंगे होपफुली, और अभी तक तो पक्का है, पक्का पक्का हम कल मिल रहे हैं, अगर कल कुछ भी हुआ तो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक का बटन तोड़ के जाएंगे, और कमेंट आपने भर भर के करने हैं, जितना दिल खोल के कर सकते हो कर दो, मैं कह रहा हूं भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ दो आज, कि तुम्हें सप्लाई का चैप्टर समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, दिल खोल के लिखा करो, दिल से लिखा करो तभी मेरे तक पहुंचेगा जी। ठीक है जी चलो ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।